इस प्लेन के अंदर उनके परिवारों के लिए भी ये बहुत अच्छी खबर है। आज के दिन की सबसे अच्छी खबर मैं कहूंगी, क्योंकि वो तमाम यात्री जो क्रू था उस प्लेन के अंदर, वो सुरक्षित उतार लिए गए हैं। बड़ी खबर, तो एयर इंडिया के विमान की सुरक्षित लैंडिंग करा ली गई है शारजाह ये प्लेन जा रहा था, लेकिन हाइड्रोलिक फेलियर होने की वजह से ये इसमें कोई ग्लिच आ गया, इसे आसमान में चक्कर काटने पर चक्कर क्यों ताकि इसका फ्यूल खत्म हो जाए और फिर उसके बाद इसकी दिल्ली लैंडिंग कराई गई, सुरक्षित लैंडिंग करा ली गई है। त्रिची एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग एयर इंडिया के विमान की हो गई है, ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। 5:45 पर इसने उड़ान भरी थी त्रिची से, जो है शारजाह जाना था 5:45, लेकिन तो ये आप देख रहे हैं, हमने आपको बताया किस तरह एम्बुलेंस वहां पर लगा दी गई थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर थी और यहां सुरक्षित लैंडिंग, 141 यात्री इस प्लेन के अंदर सवार थे वो सभी सुरक्षित उतार लिए गए हैं, प्लेन का जो क्रू था वो भी सुरक्षित यहां पर लैंड करा लिया गया है। ये बड़ी खबर है, एक बार मैं फिर कहूंगी, राहत की खबर है हम सब के लिए भी और उन परिवारों के लिए भी जिनके लोग इस प्लेन में सवार थे, वो सभी सुरक्षित हैं। सबसे बड़ी खबर, हवा में चक्कर काटता रहा विमान, 2 घंटे के आसपास ये हवा में ही चक्कर काट रहा था ताकि इसका फ्यूल खत्म हो, उसके बाद इसकी सुरक्षित लैंडिंग कराई जा सके। त्रिची एयरपोर्ट पर ही सुरक्षित इसे लैंड करा लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाइड्रोलिक फेलियर इसका हो गया था, त्रिची के आसपास ही ये मंडरा रहा था और तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से ये शारजाह ये विमान जा रहा था। तस्वीरें भी थोड़ी देर में आएंगी, हम आपको दिखाएंगे किस तरह से यहां प्लेन से जो यात्री उतरे हैं, ये लाइव ट्रैकिंग रूट भी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से ऊपर आसमान में ये प्लेन चक्कर काट रहा था। जो आप पूरी ये ग्रीन लाइन देख रहे हैं, ये उसी रूट की लाइन है जहां पर ये प्लेन पूरा चक्कर काट रहा था। दो घंटे तक हवा में रहने के बाद इस प्लेन को यहां पर लैंड कराया गया है, सुरक्षित लैंडिंग करा ली गई है। पायलट ने हाइड्रोलिक फेलियर के बारे में एयरपोर्ट को इन्फॉर्म कर दिया था, जिसके बाद वहां एयरपोर्ट पर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर लगा दी गई थी और अब उसे सुरक्षित उतार लिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और पहले ही एयरपोर्ट डायरेक्टर की ओर से कहा गया था कि ये सुरक्षित उतार लिया जाएगा, ऐसा ही हुआ और इस खबर के बाद, इस अच्छी खबर के बाद हर कोई राहत महसूस कर रहा है। उड़ान भरने के बाद ये तकनीकी खराबी फेस की पायलट ने, इसके बारे में इन्फॉर्म किया एयरपोर्ट को, जिसके बाद तमाम वो जरूरी कदम उठाने शुरू किए गए जो ऐसे केसेस में उठाए जाते हैं और उसके बाद करीब 2 घंटे के समय के बाद विमान को सुरक्षित लैंड करा लिया गया। तो विमान में हाइड्रोलिक फेलियर तब होता है जब लैंडिंग